ये सब चीजें तब हो रही है जब जनता उन्हें खदेड़ खदेड़ कर भगा रही है। आपने कुछ चीजें साझा की है मणिपुर को लेकर। वो मनीष जी अभी ये अब जरा शुरू करते हैं कि ये कैसे ढोंग कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, देशघाती कर रहे हैं। मणिपुर के लिए बड़ा नाचा हुई है, खैराती हैराती सबने भी बना डाला। सबसे पहला ट्वीट मनीष जी ये दिखाई है कि जो मैंने लिखा है जरा पढ़ के सुना दीजिए, उसके बाद फोटो दिखा दीजिएगा कि राहुल गांधी और उसकी कांग्रेस देश को यह कब बताएंगे कि जब देश देश में और मणिपुर में भी कांग्रेसी सरकारों का शासन था तब मणिपुर में दर्जनों महिलाएं नग्न होकर सड़कों पर प्रदर्शन क्यों कर रही थी। दिखा दीजिए मनीष, मैंने उसमें खबर भी थोड़ी सी काट के लगा दी है, ये दर्शक देख लें। ये जो एक बता रहे हैं ना कि वहां पे लड़की को नंगा घुमाया गया मणिपुर में, उसको लेके आज तक ये छाती पीटते हैं। ये फोटो में जरा देखिए आप, और ये सारी है, ये देखिए कैसे नग्न होकर प्रदर्शन हो रहा है। और ये फोटो तब की है, 15 जुलाई 2004 मनमोहन सिंह इस देश का प्रधानमंत्री होता था, मणिपुर में भी कांग्रेस की सरकार थी। तो ये जो एक वीडियो जिसका बाद में आया था कि ये पता नहीं कब बनाया गया है, किसी को मालूम नहीं, ये 2 महीने पुराना है, 3 महीने पुराना वीडियो है, उसको लेकर ये जो नाच रहे हैं आज तक, तो इस पर कांग्रेस कब जवाब देगी कि ये दर्जनों महिलाएं और मणिपुर के इम्फाल की सड़कों पर खुलेआम नंगे होकर निकली थी। और वो क्यों निकली थी? अब ये मनीष जी ये फोटो मैंने आज जानबूझ कर इसलिए लगाई है कि दर्शक जरा खेल समझे कि हम आप बड़े संवेदनशील हैं, हम आप सोचते हैं कि वो नग्न परेड हो गई, ये वहां का कॉमन फैक्टर है। ये औरतें राहुल गांधी को याद दिला रहा हूं कि कैसे देशघाती कुकर्मों के साथ खड़ा हो जाता है। ये औरतें जो नग्न होकर निकली थी, ये देश की सेना के खिलाफ निकली थी, ये अफस्पा कानून हटाने के लिए निकली थी, तो ये प्रायोजित नग्न होकर निकली थी। और एक नहीं दर्जनों की संख्या में नग्न होकर नंगे होके बैनर लेके चली थी कि अफस्पा हटाओ और आओ हमारे साथ रे करो। तो असम राइफल्स, ये जो नंगे होकर प्रदर्शन कर रही है, ये असम राइफल्स की ऑफिस के मुख्यालय जो है उसके सामने मणिपुर में ये प्रदर्शन कर रही थी। तो क्या राहुल गांधी को मालूम नहीं कि वहां पर नंगे होकर जो घूमने की परंपरा है, नंगे होकर महिलाओं को नंगा करके परेड कराने की जो परंपरा है, ये वहां के उग्रवादी संगठनों और वामपंथी लफंगों का एक बड़ा ब्रह्मास्त्र है जिसके जरिए वो पूरे देश में सनसनी फैलाते हैं। और ये उस सनसनी को बेच रहा है पिछले 6 महीने से। ये फोटो, इस फोटो की कहानी ये है। और इसीलिए अब की बार जब गया तो उसे वहां से भगाया गया तो बैरंग लौट करके आया, लेकिन इस पे चर्चा नहीं हो रही है कि मणिपुर में उन्हें इस ये जो घटिया राजनीति है उसके कारण राहुल गांधी को किस तरह से वहां खदेड़ा गया। नहीं मनीष जी, ये मैं बहुत दिनों से, क्योंकि मुझे मालूम है कि इस तरह की फोटो क्यों होती है, इसमें किसी सरकार की कोई गलती नहीं थी। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं जरूर राहुल गांधी के संदर्भ में बता रहा हूँ, लेकिन उसमें मनमोहन सरकार या मणिपुर सरकार नहीं। ये फोटो इसलिए आज दिखानी पड़ी क्योंकि ये उसी हथकंडे को बेच रहा है पूरे देश में कि वहां पर मणिपुर में जो उग्रवादी संगठन है, खासकर वो कुकी, वो इस तरह के नाटक करते रहते हैं। जो आप लोग, देश भी बड़ा व्यथित कि वो लड़की नंगा करके घुमा दिया गया, नंगा करके घुमा दिया गया, तो फिर इस पर क्या जवाब दोगे राहुल गांधी? और ये उस आतंकवादियों के, उग्रवादियों के उस हथकंडे को ये बेच रहा है पूरे देश में। शर्म नहीं आती इस कांग्रेस को, इस राहुल को और इस इंडी गठबंधन को। और अगर बड़ा इसका संवेदनशील है, फिर ये बताए कि क्यों नहीं कि जब कांग्रेस की सरकारें थी तब ये मणिपुर, ये तो दो औरतों लड़की की बात करता है, ये दर्जनों औरतें क्यों नंगे होकर निकली थी मणिपुर की सड़कों पर? और इनके हाथ में जो बैनर है वो आर्मी के खिलाफ है। बिल्कुल साफ दिख रहा है कि कैसे आर्मी के खिलाफ है। और कजब कमाल की बात है कि इस नैरेटिव को जो हम लोग आज चला रहे हैं, ये चलाने की जिम्मेदारी सरकार के तंत्र को थी, इस बात को रखने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट में भी थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर इतना लंबा चौड़ा ज्ञान दिया था।